नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अब नया पता जान लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको लालबाग नहीं बल्कि गोमती नगर पहुंचना पड़ेगा। जी हां, लखनऊ में भव्य नगर निगम मुख्यालय का निर्माण होने को है, जिसके लिए आज यूपी के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा और लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल एक साथ भूमि पूजन करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि गोमती नगर के पुराने आरआर केंद्रीय कार्यशाला की जगह 200 करोड़ की लागत से 2 लाख स्क्वायर फीट पर 6 फ्लोर का नगर निगम मुख्यालय बनाया जाएगा, जो हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। इस मौके पर लखनऊ नगर निगम के सभी पार्षद अधिकारी भूमि पूजन के दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। सुनते हैं क्या कुछ कहा नगर विकास मंत्री ने। निर्माण के अवसर पे मैं राजधानी, प्रदेश की राजधानी, प्रदेश के गौरव समा इस शहर के सभी वासिंदों को, सभी नागरिकों को, सभी रहने वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही मैं लखनऊ की महापौर हमारी बहन सुषमा खरकवाल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ कि उनके प्रयासों से 150 साल बाद 150 साल पुरानी बिल्डिंग को बदलते हुए नगर निगम की एक नए भवन के निर्माण की आज आधारशिला रखी गई है। मैं उनके प्रयासों की सराहना करता हूं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथ ही यहां के नगर आयुक्त या उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि बहुत ही कम समय में उन्होंने एक 200 करोड़ रुपये के खर्च से बनने वाले इस भवन के प्रारूप बनाया है और उसको उस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस भवन में ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर की व्यवस्था है। आपने अभी देखा होगा मॉडल में कि बहुत ही भव्य इनका कमेटी रूम, जिसमें सभाखंड जिसको कहते हैं नगर निगम की, जिसमें सभा होगी, मीटिंग रूम, आईटी रूम और तमाम जो आधुनिक आवश्यकताएं होती है उसके अनुरूप ये भवन बनेगा। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो हम एक बार आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके से नगर निगम का नया मुख्यालय बनाया जाएगा, वो आप देख सकते हैं कि जो दीर्घा बनाई गई है, आपने विधानसभा देखा होगा, विधानसभा में जो सदन चलता है उस सदन में किस तरीके से यहाँ पर बेंचेस लगाए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर 202 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, लेकिन अगर बात की जाए तो लखनऊ नगर निगम में अभी 110 वार्ड हैं और 110 पार्षदों की बैठने की व्यवस्था है। फिलहाल इसमें 202 पार्षदों की बैठने की व्यवस्था बनाई जा रही है। ये देखिए कमेटी हॉल ही बनाया गया है यहाँ पर बैठकों के लिए, और सबसे साफ तौर पर ये देखिए कि लोक भवन जिस तरीके से बना है, सेम उसी तरह उसी तर्ज पे ये पूरा इसका डिजाइन किया गया है। तो ऐसे में इसमें बहुत सारी सुविधाएँ होने वाली हैं और उन सुविधाओं के तहत नगर निगम के जो भी कर्मचारी होंगे वो कर्मचारी अब इस दफ्तर में बैठने के लिए वो तैयार हैं। फिलहाल अभी आज भूमि पूजन कर दिया गया है। नगर विकास मंत्री जो ए.के. शर्मा हैं, उन्होंने यहाँ पर भूमि पूजन किया है, जिसके बाद अब यहाँ पर काम 2 महीने के बाद लगभग यहाँ पर जो कार्य होगा वो प्रारंभ होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं नगर निगम मुख्यालय जो रेलवे की ज़मीन पर अभी लीज पर चल रहा है, किराए पर चल रहा है, वो मुख्यालय यहाँ पर होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, मीडिया कर्मियों के लिए भी बैठने की व्यवस्था की गई है, और जो आगंतुक हैं या जो शहर के निवासी हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं उनके बैठने के लिए भी एक वेटिंग हॉल बनाया गया है। तो ऐसे 5 स्थल का ये पूरा इनका प्रोग्राम है, पूरा DPR बनके तैयार हो चुका है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी किस तरीके से नगर निगम अब किस निगरानी में अपने इस मुख्यालय को बनाता है और क्या क्या सुविधाएँ मिल पाती हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रितेश श्रीवास्तव, सी न्यूज भारत लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।